वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा सोनिया गांधी की, जो उनकी जो बायोग्राफी है, कहाँ उनका बर्थ हुआ था और कैसे वो इंटरनेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजेश है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, थैंक यू। और तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया गांधी हैं, उनका रियल जो ओरिजिनल नेम था, जो स्टार्टिंग में था शादी के पहले, वो था सोनिया माइनो। और इनका जन्म इटली में 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था स्टेफानो माइनो और इनकी माँ का नाम था पाओलो माइनो। और ये लुसियाना नामक विलेज में इनका जन्म हुआ था, जो कि वेनेटो शहर है, जो कि इटली में पड़ता है, उससे 35 किलोमीटर दूर है। सोनिया गांधी ने जो प्राइमरी एजुकेशन ली थी, वो एक लोकल कैथोलिक स्कूल से ली थी, जो प्राइमरी स्कूल था, और वो बाय रिलीजन कैथोलिक हैं, क्रिश्चियन। तो और जब 13 साल की उम्र में उनके जो पिताजी थे, उनको वो उनका स्कूल में रिपोर्ट कार्ड के जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसके लिए बुलाया गया था उनको। तो उन्होंने जब रिपोर्ट कार्ड जब टीचर ने उनको सौंपा था, उन्होंने बताया था उनको कि आपकी जो बेटी है सोनिया है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ब्रिलियंट बच्ची है, तो इसको आप आगे और पढ़ाइए और इसको ये इसका एक उज्ज्वल भविष्य है। और मैं ये भी बता दूँ साथ साथ में कि सोनिया गांधी तीन बहनें थीं, जो टोटल थीं तीन बहनें थीं। सबसे बड़ी थी उनकी बहन जो थी, उनका नाम था अनुषा। सेकेंड थी सोनिया, जो सोनिया गांधी जी हैं, और तीसरी थी नादिया। तो जो सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे फर्दर आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी और खासकर इंग्लिश सीखने की बहुत इच्छा थी। लेकिन उस समय टाइम इस तरीके का था कि लेडीज़ को उतना जो है उनको तवज्जो नहीं मिलती थी। तो और उनके जो पिताजी थे, वो थोड़े से वैसे माइंडसेट के थे कि मतलब औरतों को मतलब घर में ही रहना चाहिए इस तरीके के, क्योंकि इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था उस वक्त, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था। तो अब लेकिन सोनिया गांधी जी को तो पढ़ना था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे इंग्लैंड जाना है, खासकर इंग्लिश जो लैंग्वेज है सीखने के लिए। उन्हें जो इटालियन लैंग्वेज है वही आती थी, उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। तो वो आगे जाके उन्होंने अपने पिताजी से बोला, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। लेकिन काफ़ी बहस, वो भी ज़िद्दी थी और उनके पिताजी भी ज़िद्दी थे, तो दोनों में बहस हुई। फिर लास्ट में यही उनके जो पिताजी थे, वो उन्हें मानना पड़ा उनकी बात, और फिर उन्होंने उनको जो है इंग्लैंड भेज दिया। ये बात थी 1964 की। और इसके बाद में वहाँ पे उनका जो एडमिशन हुआ, वो हुआ बेल्स एजुकेशनल लैंग्वेज ट्रस्ट स्कूल में, जो कैम्ब्रिज सिटी में पड़ता था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं, कैम्ब्रिज सिटी, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहीं है, तो उस एरिया का नाम ही कैम्ब्रिज सिटी है। तो उनको वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया फिर, क्योंकि वो इतना घर से इतनी अमीर नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ पर पार्ट टाइम, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे इंडिया से जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कंट्री से जाते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो पार्ट टाइम के लिए अपना जॉब वगैरह कर लेते हैं, होटल्स में कुछ काम कर लेते हैं, ताकि उनका जो है खर्चा निकलता रहे थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार से सोनिया गांधी जी ने एक ग्रीक रेस्टोरेंट था, उसमें उन्होंने एक वेटरेस की नौकरी की थी। तो उसी समय उसी होटल में इत्तेफाक से राजीव गांधी जी भी आए थे। और उसी साल 1964 की ही बात है, राजीव गांधी जी एज अ स्टूडेंट पढ़ने आए थे ट्रिनिटी कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की है, वहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहे थे। और उसी समय उनका भी इत्तेफाक हुआ, जिस होटल में सोनिया गांधी जी वेटरेस थी, उनमें राजीव गांधी जस्ट ऐसे अपने दोस्तों के साथ आए थे। तो उन्होंने देखा, वो उन्हें अच्छी लगी, वो उन्हें बहुत पसंद आई, और उनके और उन दोनों में आगे दोस्ती हो गई, और इसी प्रकार से दोस्ती प्यार में बदल गई। और इस तरीके से जब राजीव गांधी जी ने बोला कि मतलब उनमें काफ़ी मित्रता हो चुकी थी, काफ़ी ऑलमोस्ट वो शादी करने पर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी माताजी से मिलवाना चाहता हूँ। तो फिर वो इंडिया ले गए थे सोनिया गांधी जी को। तो उनसे जो इंदिरा गांधी जी थी,
उनसे मिली और उन्हें इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि मेरा बेटा कहीं भी शादी करे, उनको कोई इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं था कि हिंदू है क्रिश्चियन है, उसको उनको कोई इश्यू नहीं था इस बात से। लेकिन जो सोनिया गांधी जी के पिताजी थे उनको थोड़ी सी आपत्ति थी, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। लेकिन जब दोनों की पढ़ाई खत्म होती है तो सोनिया गांधी जी इटली दोबारा चली जाती हैं और राजीव गांधी जी इंडिया जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी उनसे मिल चुकी थी, सोनिया जी से। तो लेकिन उस समय टेलीफोन वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो उन्होंने अपना जो खत वगैरह भेजते थे, तो सोनिया गांधी जी के घर पे काफ़ी खत आने लगे। तो उनके पिताजी को थोड़ा अजीब लगा कि इतने सारे खत क्यों आ रहे हैं। तो फिर फाइनली सोनिया गांधी जी ने बताया कि भाई मैंने जिसके खत आ रहे हैं मैं उससे प्यार करती हूँ, और वो ये बोला था कि वो इंडिया का एक प्रिंस है, ये उन्होंने वर्ड बोला था। तो फिर उनके पिताजी फिर भी नहीं माने, उन्होंने बोला कि वो हिंदू हैं, हम अलग रिलीजन के हैं, वो बड़े मतलब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, मतलब वो क्रिश्चियन ही लड़का देखना चाहते थे। लेकिन किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। तभी राजीव गांधी जी इटली आए बड़े अपना तामझाम के साथ में, और वो सोनिया गांधी जी के घर में आए। तो उनके पिताजी ने देखा और फिर सीधा राजीव गांधी जी ने उनका हाथ मांगा कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी बहुत खुश हुई और उनके पिताजी नानुकुर करते रहे, नहीं माने लास्ट तक। लेकिन अब शादी तो होनी थी, रूल था उस समय, तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आ गया था। तो फिर शादी हुई और लेकिन इनके जो पिताजी है जो स्टेफानो माइनो थे, वो शादी में नहीं आए, उन्होंने अपने भाई को भेजा। मतलब इस शादी के इतने खिलाफ थे, जबकि उनको पता था कि ये जो हैं इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं और एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो लास्ट में इनकी जो शादी हुई थी फरवरी 1968 में, तो शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। लेकिन उनकी जो सोनिया गांधी जी की माता थी वो आई थी, तो इस प्रकार से उनकी शादी हुई। और आगे जाके जो आप सब जानते हैं क्या क्या हुआ था आगे सीरीज में। तो मेरा मेन फोकस आज सोनिया गांधी जी की, जो स्टार्टिंग से कई लोग नहीं जानते, कई मिथ्स फैले हुए हैं, उस मिथ को क्लियर करना था। जो उनकी रियल स्टोरी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।